और इसको अभी साफ कर रही हैं, देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों अभी शाम हो गई है, आप सभी को नमस्ते, नमस्कार हमारी तरफ से। तो दोस्तों अभी आरोही की मम्मी इधर पे देख सकते हैं आप, राई लेके आई हैं, और बहुत सारी राई लेके आई हैं। और कैसी होती है राई आप देख सकते हैं आप दोस्तों, उसका पेड़ कैसा होता है ये देख सकते हैं आप, कितना सारा डला है ये पेड़, पूरा ये राई का पेड़ है दोस्तों, पूरा निकाल भी लिया है इन लोगों ने। ये देख सकते हैं कितना सारा सरसमा है ना, कितना अच्छा हरा हरा है ना, और जी देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है ये। और ये भी है, और इधर से भरमा भट्टा बनाओगी। और इसको अभी साफ कर रही हैं, देख सकते हैं आप, पूरा ऐसे साफ कर लोगी ना, साफ करके फिर देसी सरसमा है दोस्तों, हमारे खेतों में होता है वो ही सरसमा नहीं है, राई है ना, सरसमा इससे थोड़ा बड़ा होता है, ये राई है, देख सकते हैं आप कितना सारा डाला है। और इसमें भरमा भट्टा अच्छे से बनता है, भरमा भट्टा मेथी और राई से ही बनता है, आपको पता होगा बहुत ही अच्छा बनता है। और हम लोग खरीदते नहीं है कभी, से उखाड़ के लेके आ जाते हैं और सूखने के लिए डाल देते हैं। कभी देख सकते हैं थोड़ा सा बचा है तो आरोग्य मम्मी उसको भी क्लीन कर लेंगे ना, फटक देंगे इसको। हो गया सीन पूरा है, ये इतना और है ना, बहुत सारा हो गया ना। और दोस्तों इतना सारा हो गया हमारा, ये साल भर हो जाएगा ना, पूरा साल खाएंगे दोस्तों हम लोग, पूरा देख सकते हैं फ्राई को, इतना सारा हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है जब इसको खाते हैं, उसमें भरमा भट्टा बना के दोस्तों थोड़ा सा राई और मेथी ना दोनों को बांट के बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है भरमा भट्टा। अभी हो ही गया हाँ बेटा, अरे खिल्ला रहा है, इतना सारा हो गया देख सकते हैं आप दोस्तों। और आ रहे अनुदम करता है, ये मट्टी डाल गया ना, राख डाल गया ना, पूरा क्लीन कर लिया है अभी हमने, पूरा क्लीन हो गया है दोस्तों, इसको रख रहे हैं सूखने के लिए, घर पे ही रख देंगे सूखने के लिए, और सूख जाएगा तो फिर भर के रखेंगे, पाला पड़ जाएगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और दुकान पे तो खरीद के ही खाते हैं शहर में, लेकिन हमारे घर पे ऐसे ही मिल जाता है, ढूंढ ढाड़ के लेके आ जाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों देख सकते हैं हम पूरे साल कर लिए अच्छी, बहुत ही अच्छी।
खट्टा में खाते हैं इसको दोस्तों डाल के। पूरा क्लीन कर लिया है ना, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, पूरा ही साफ कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा देसी है ना। सूखेगा तो काला पड़ जाएगा दोस्तों, अभी ऐसा है, वैसे कलर उसका हरा है थोड़ा, और सूखेगा तो वैसा हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा हो जाएगा। तभी इसको किस कौन चीज में रख रहा है, उस चीज में रखोगे? सुखाओगे ना? दो दिन सुखाएंगे दोस्तों इसको, और फिर को भर के रख देंगे। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं आप, पूरा क्लीन कर लिया है अभी हमने, है ना, पूरा क्लीन हो गया है दोस्तों। और इसको रख रहे हैं आप सूखने के लिए, घर पे ही रख देंगे सूखने के लिए, और सूख जाएगा तो फिर भर के रखेंगे, और काला पड़ जाएगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और दुकान पर तो खरीद के ही खाते हैं शहर में, लेकिन हमारे इधर पर ऐसे ही मिल जाता है, ढूँढ ढाड़ के लेके आ जाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।